नए साल के पहले दिन कोटा में क्लासरूम कोचिंग खोलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कोचिंग से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों ने सद्भावना पदयात्रा निकाली। कोटा व्यापार महासंघ, हॉस्टल एसोसिएशन और निजी स्कूल संचालकों ने कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर सद्भावना पदयात्रा निकाली। सद्भावना पदयात्रा शुरू होने से पहले पदाधिकारियों ने कहा कि गाइडलाइन की पालना के साथ ही कोचिंग खोले जाएं, सभी लोग गाइडलाइन की पालना के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जानबूझकर कोचिंग बंद रखने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कोटा में जल्द ही स्कूल कोचिंग खुलने की बात कही। कि ये लाइफ लाइन है और कोचिंग के बिना कोटा का की जीवन रेखा चल नहीं सकती। इससे मैं चालू करने में काफ़ी पहले ही देर हो चुकी है, अब एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। तुरंत कोटा में कोचिंग चालू हो, सभी राज्यों में अन्य कई राज्यों में चालू हो चुका है और निश्चित रूप से कोटा के लोगों में एक बहुत रोष व्याप्त है इस बात को लेकर के, यहाँ के लोग हो चाहे हॉस्टल संचालक हो, चाहे यहाँ के कोचिंग के लोग हो, चाहे व्यापारी हो, यहाँ का व्यापार ठप पड़ा है और कोटा की निश्चित रूप से एक जीवन रेखा रुकी हुई है, इसको शीघ्र से शीघ्र चालू करें, ये जन जन की मांग है। और इसी आधार पर निश्चित तो आज जो ये बड़ा पदयात्रा के लेकर के प्रदर्शन हुआ है, मैं समझता हूँ सरकार चेतेगी, इसको सदबुद्धि आएगी और आज इसकी घोषणा होनी।